हेलो हाय, वेलकम बैक, दिस इज राजकमल। हेलो गाइज, आज मैं टॉपिक शॉर्ट सीरीज के अंदर देखने वाला हूँ ट्रांसफॉर्मर के क्वेश्चंस। लेकिन इसके साथ साथ मैं बोलता हूँ कि आपको मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे देखने को मिलता है। सर, इस क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट ऑफ लोड को आज बहुत अच्छे समझेंगे और मैं यकीन करता हूँ अगर ये कॉन्सेप्ट सीखते हो तो फिर कभी जिंदगी में भूल नहीं सकते, इसकी भी गारंटी देता हूं। आइए सर, क्वेश्चंस क्या हो सकता है, आप क्वेश्चन जानते हो, क्वेश्चन आप बना लोगे, बट इसकी प्रैक्टिस जो है वो मैं आपसे करवाता हूं। एक्चुअली लोड के कॉन्सेप्ट को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कह रहा है द फुल लोड कॉपर लॉस एंड आयरन लॉस ऑफ ए ट्रांसफॉर्मर आर 6400 वाट एंड 500 वाट respectively, okay, the copper loss and iron loss at half load will be respectively। तो ये क्वेश्चन सर बहुत सिंपल है, ऐसे क्वेश्चन को आप बहुत आसानी से कर सकते हो। लेकिन आज हम देखते हैं, मेरी आवाज अब तक आ रही है? ओके, चलिए सर, तो मैं आज इस क्वेश्चन को देखता हूं कि इस क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं। सर क्वेश्चन बहुत सिंपल है, अगर एक वर्ड में बोले तो कॉपर लॉस दिया हुआ है यहाँ पे। वेट अ सेकेंड सर, यहाँ पे आपको कौन कौन सा लॉस दिया हुआ है? एक कॉपर लॉस एंड आयरन लॉस। सबसे पहले बच्चे देखते ही जवाब इसका कैसे दे देते हैं कि कॉपर लॉस लोड पे डिपेंड करता है, आयरन लॉस लोड पे डिपेंड नहीं करता। मतलब 5000 जो है ये 5000 ही रहेगा लेकिन ये बदल जाएगा। तो लेकिन कॉपर लॉस, ध्यान से समझिए, मैं बिल्कुल समझा रहा हूं सर आपको, 10 मिनट जरूर वक्त लगेगा इस क्वेश्चन को करने में, पर बारीकी से एक एक चीज आप कर जाओगे। ओके, नाउ यहां मैं बात करूं, इसमें कोई चेंजेस नहीं देखने को मिलेगा, इसमें चेंजेस देखने को मिलेगा। सो कॉपर लॉस आयरन लॉस की बात करें तो सर आंसर तो सीधे डी दिख रहा है, यानी अगर कुछ चेंजेस ना भी करें, ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता। यहां देखिए एक आयरन लॉस जो है आपका 5000 है, तो श्योर ये 1600 हो जाएगा। नाउ इस क्वेश्चन को सिंपल वे में करता हूं, कॉन्सेप्ट ऑफ लोड को सर आज से समझना एकदम बिल्कुल ना भूले। सर देखिए, आज मैं बता रहा हूं कॉपर लॉस की अगर बात करें, ये होता है आई स्क्वायर इंटू आर। ओके, सबसे पहले बात आती है कॉपर लॉस क्या होता है सर, क्योंकि मैं एलिबरेट इस क्वेश्चन को बहुत ज्यादा करता हूं। इसका रीजन है कि यह हमारा सीरीज ही है, क्वेश्चन एक होंगे पर इससे आने वाले कॉन्सेप्ट जितने होंगे सबको ग्रैब करना है। ओके, अब ये देखिए कॉपर लॉस, ऑब्वियसली जो ये वाइंडिंग है ना मशीन के अंदर, इसके अंदर होने वाले लॉस को कॉपर लॉस बोला जाता है, सीयू लॉस इसके अंदर बोला जाता है। तो फिर आयरन लॉस किसको बोला जाता है? इस लोहे, ये लोहा का बना होता है, किसका? आयरन का। सो लोहा का होता है इसलिए लोहा लॉस यानी आयरन लॉस। ओके, ये कौन सा लॉस होता है सर हमारा? आयरन लॉस। ओके, ये भी बात होगी। तो कॉपर के अंदर जो भी लॉस वो कॉपर लॉस। सो अगर लोड हाफ बोल दे सर, देखिए अभी लोड के कॉन्सेप्ट को बताऊंगा, अगर लोड कह दे आपसे क्या सर कि लोड क्या हो गया, आधा हो गया, तो लोड आधा, आज तक यही अपने को बताया गया कि सर अगर कभी कोई बोल दे लोड आधा तो समझिए आपका करंट भी आधा, अगर लोड आधा तो आपका करंट भी आधा। हालांकि ये सुनने में बड़ा अटपटा लगता है पर आज इसके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होने वाला है। ओके, सो आप देखिए ये नॉर्मल कॉपर लॉस है जिसकी मान कितना दिया हुआ है सर? 6400 वाट दिया हुआ है, 6400। अब देखिए लोड कितना सर? हाफ लोड। हाफ लोड मतलब ये आधा, तो लोड आधा सर, लोड आधा तो करंट भी क्या आधा, करंट भी क्या आधा। तो इसको करिए सर, इसको करिए, तो इस इसके अंदर अगर PCU, अब नए वाले की बात करें मतलब हाफ लोड पे बात करें, देखिएगा कॉन्सेप्ट ऑफ लोड इसके बाद सीखेंगे सर। करंट को क्या होना पड़ेगा? आधा उसका स्क्वायर इंटू आर। ये बच्चे को बहुत आता होगा और आराम से कर लेते होंगे, पर आज कुछ अलग ही सीखना है सर अपने को। ये दो का स्क्वायर नीचे चार हो गया, तो कितना हो गया सर? 6400 बटा चार, तो हो गया सर आपका कितना? 1600 हो गया ना, 1600 वाट। किस चीज का सर? PCU नया वाला, जब आपने हाफ लोड किया, तो ये आपका आंसर है। लेकिन सबसे पहले मैंने बताया कि सर इसके एक एक चीज की जानकारी लेनी है। तो आइए सर, सबसे पहले कॉपर लॉस कौन से टेस्टिंग के द्वारा निकाला जाता है सर? तो ट्रांसफार्मर में कॉपर लॉस, इसके अंदर जो लॉस होते हैं उनको निकालने के लिए शॉर्ट सर्किट टेस्ट किया जाता है। कौन सा सर? शॉर्ट सर्किट टेस्ट, पहला क्वेश्चन। अनदर क्वेश्चन, शॉर्ट सर्किट टेस्ट होता है। तो फिर कॉपर लॉस निकालने के लिए कैसा टेस्ट होता है सर? ओपन सर्किट टेस्ट। कैसा टेस्ट सर? ओपन सर्किट टेस्ट। एक और आंसर अपने को पता चल गया। अनदर थॉट सर आपसे बोलता है कि कॉपर लॉस किसके अंदर होगा? कॉपर के अंदर। सो शॉर्ट सर्किट टेस्ट हमेशा ट्रांसफार्मर में लो वोल्टेज साइड होता है या हाई वोल्टेज साइड, इनकी भी जानकारी होनी चाहिए। तो जब भी मशीन को शॉर्ट करते हैं ना सर, शॉर्ट सर्किट टेस्ट जब भी आप निकालते हो मशीन को, तो आप देखिए शॉर्ट जब कर देते हो तो ऑब्वियसली करंट का वैल्यू बहुत कम, तो वोल्टेज यहां हमेशा क्या कर दिया जाता है?
क्योंकि इसमें के लिए शॉर्ट सर्किट टेस्ट में सर आप ऑटो ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं सर? ऑटो ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल करते हैं। सो वोल्टेज तो ऑलरेडी आप बहुत कम देते हो। क्या करते हो सर? वोल्टेज ऑलरेडी कम देते हो। सो वोल्टेज ऑब्वियसली आप कम देते हो, तो यहां हाई वोल्टेज सेट करेंगे शॉर्ट सर्किट टेस्ट, तो वोल्टेज ऑलरेडी कम एंड करंट तो ऑलरेडी कम हो ही जाएगा, करंट भी क्या हो जाएगा? कम। ध्यान समझिए, तो ऐसे कंडीशन में शॉर्ट सर्किट जब भी करते हैं तो आप ऑटो ट्रांसफार्मर से वोल्टेज ऑलरेडी हमेशा क्या करते हो? कम ही अप्लाई करते हो और करंट भी कम ही अप्लाई करते हो। सो एचवी साइड यूज किया था हमेशा, क्या शॉर्ट सर्किट टेस्ट हमेशा कहां यूज किया जाते सर? एचवी साइड। तो ओपन सर्किट टेस्ट हमेशा कहां सर? एलवी साइड। इन सारे चीजों की जानकारी तो हमने ऑलरेडी दे रखा है, कई बार दे रखा है। ओके, एचवी साइड शॉर्ट सर्किट टेस्ट क्यों? क्योंकि एच हाई वोल्टेज साइड क्या करते हैं आप? अप्लाई वोल्टेज चूंकि बहुत कम, आपको पता है सर शॉर्ट सर्किट टेस्ट में रेटेड करंट अचीव करने के लिए कितना सर? रेटेड करंट, आई रेटेड करंट अचीव करने के लिए आपको तो सर कितना सिर्फ अप्लाई रेटेड करंट अचीव करने के लिए आपको सप्लाई में सिर्फ कितना वोल्टेज देना पड़ता है सर? 8-12% ऑफ फुल लोड ऑफ इट्स रेटेड सप्लाई वोल्टेज, ऑफ इट्स रेटेड सप्लाई वोल्टेज। सो ऑब्वियसली आपने सप्लाई वोल्टेज ही कम कर दिया, तो चाहे हाई वोल्टेज भी रख देते हो उसका वोल्टेज बहुत कम, और जब हाई वोल्टेज है तो उसका करंट क्या होगा? लो। सो इक्विपमेंट जो यहां आप लगाओगे वो क्या होगा? लो रेटिंग का। दैट्स व्हाई हाई वोल्टेज साइड हमेशा कौन सा होता है? शॉर्ट सर्किट टेस्ट। अब एक जानकारी, आज मैंने बोला आपसे कि सर लोड के बारे में चर्चा करेंगे, लोड कम मतलब करंट कम क्यों हो जाता है? अमूमन आपको ऐसा लगना चाहिए कि किसी घर में अगर लोड कम कर रहा हूं तो करंट को बढ़ जाना चाहिए, आपके दिमाग में यही हमेशा बैठता है। तो चलिए सर आपको दिखाते हैं कि ये ऐसा क्यों नहीं होता। एक ट्रांसफार्मर है, आप ट्रांसफार्मर के बारे में समझिए सर। ट्रांसफार्मर में ध्यान से समझिए, अभी बोला ना हाफ लोड, तो हाफ लोड में करंट क्यों हाफ हो गया? मान लो अब मैंने कहा ये समझो सर, इसके सारे लोड किस में लगेंगे सर? पैरेलल में। सारे लोड किस में लगेंगे? पैरेलल में। सारे लोड किस में लगेंगे सर? पैरेलल में। मान लो बहुत एन लोड है, बहुत सारा लोड लगा हुआ है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ओके, सो ये लोड लगा हुआ है, तो अभी मान लो करंट आप कहते हो कि सर आप 20 एम्पियर खा रहे हो। कितना करंट खा रहे हो सर? 20 एम्पियर। सर अगर कोई कहता है कि आपके घरों में लोड कम हो जाए, सो लोड कम होने का क्या मतलब है? लोड हाफ हो जाने का क्या मतलब है? सर लोड जब भी हाफ बोलता है आपको, तो आपको यह समझ में आना चाहिए कि लोड कितने थे? 4 थे, 4 खत्म हो गए। 4 लोड क्या हो गए सर? खत्म हो गए, आधा लोड हो गया ना, हाफ लोड हो गया। चलिए हाफ लोड को ऐसे मैं दिखा देता हूं, क्लियर, हाफ लोड हो गया। सो अब मशीन में कितना बच गया सर? आर बोले तो 4 ही होगा, अब 4 बच गया। पहले कितना था मशीन में? 8 आर था लगातार, अब कितना होगा? 4 आर हो गए, टोटल 4 आर बच गए। सो आपको एक चीज पता होगा सर, अगर आपके पैरेलल में रेजिस्टेंस घटता है, ध्यान समझिए सर, अगर पैरेलल में, चूंकि कनेक्शन आपके यहां हमेशा पैरेलल होते हैं, ऑल कनेक्शन आर इन पैरेलल। ओके सर, ऑल कनेक्शन पैरेलल में होते हैं, तो बताइए 4 अगर पैरेलल में रेजिस्टेंस आपके निकल जाए तो ओवरऑल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मान बढ़ेगा कि घटेगा? आपको कि श्योर बढ़ेगा सर, पहले जितना होगा अब तो डबल हो गया होगा प्रतिरोध सर। अगर रेजिस्टेंस बढ़ गया तो बताइए सर आपका करंट घटेगा कि नहीं? आपका करंट घटेगा कि नहीं? सो अगर लोड कहता है घट गया, ये आपका लोड है, ये लोड आपका अगर आधा हो गया सर, लोड आपका आधा हो गया तो मशीन का करंट, ध्यान से समझिएगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस उतना गुना बढ़ जाता है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मशीन का क्या होता है? उतना गुना बढ़ जाता है सर। अब पहले आर इक्विवेलेंट था तो अब 2 आर इक्विवेलेंट हो गया। ओके, क्योंकि पैरेलल में अगर 2 रेजिस्टेंस है, एक हट जाए तो रेजिस्टेंस का मान डबल हो जाएगा। ओके, सो दैट्स व्हाई अगर रेजिस्टेंस डबल हो गया तो बताइए सर करंट जो है आपका आधा होगा कि नहीं? करंट आधा होगा कि नहीं? ध्यान समझिए, लोड आधा, लोड काट दो आधा सर, लोड आधा, तो टोटल रेजिस्टेंस पैरेलल में बढ़ गया, रेजिस्टेंस बढ़ गया, दैट्स मींस रेजिस्टेंस बढ़ा मतलब करंट घट गया। तो जितना गुना से लोड घटा उतना गुना से प्रतिरोध बढ़ा, और प्रतिरोध जिस रफ्तार से बढ़ा उसका करंट उतना गुना से घट गया। सो कभी भी आज से दिमाग में बैठा लीजिए सर, अगर कहेगा लोड घटा इसका मतलब आपका
सही में करंट घटा। ओके, नहीं तो लगता है लोड घटा तो घर में करंट बढ़ गया होगा, वी बराबर आयर लगा देते हैं, लोड घटा रेजिस्टेंस को मान लेते हैं सीधा, और रेजिस्टेंस घटा तो करंट बढ़ गया होगा। दिमाग में ये कंफ्यूजन आज के बाद कभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऑल कनेक्शन आर इन पैरेलल। मशीन के अंदर सारे कनेक्शन सर किसमें होते हैं? पैरेलल में। तो इनके बारे में सर प्रॉपर आइडिया आपको होना चाहिए, और मैं उम्मीद करूंगा आज से आपको मतलब ये पता चलना चाहिए कि चूंकि पैरेलल कनेक्शन में अगर लोड आधा तो ओवरऑल रेजिस्टेंस पैरेलल वाला इक्विवेलेंट में बढ़ जाएगा, जो बचा है वो बढ़ जाएगा तो करंट श्योर घटेगा, और जब लोड बढ़ा देंगे पैरेलल में और लोड बढ़ाएंगे तो करंट क्या बोलते हैं, खींचता है। क्या बोलते हैं सर? करंट और खींचता है, जितना लोड बढ़ाओगे करंट और खींचता है। इसका रीजन क्या है सर? पैरेलल में अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो ओवरऑल रेजिस्टेंस का मान घटेगा, तो करंट ज्यादा सप्लाई ड्रॉ करेगा, करंट क्या करेगा ऑब्वियसली ज्यादा ड्रॉ करेगा। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। तो सर शॉर्ट सीरीज में आज इतना ही, हम नेक्स्ट सेशन में भी आपके लिए कुछ बेहतर क्वेश्चन लाएंगे ताकि ये धुआं धुआं हो जाए। ओके सर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय, टेक केयर।